कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। दलहन बाजार के बारे में जानेंगे, अरहर दाल में किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। तो दलहन बाजार को लेकर जो आज की खबरें हैं वो ये आ रही हैं कि दलहन बाजार में गिरावट के साथ हफ्ते की शुरुआत हुई है। दाल मिलों की ग्राहक के बने रहने से घरेलू मार्केट में शनिवार के दिन अरहर और मूंग के साथ साथ चने की कीमतों में तेजी के साथ कारोबार देखा गया, जबकि देसी मसूर की कीमतों में नरमी के साथ कारोबार देखा गया। इस दौरान उड़द के दाम लगभग स्थिर बने रहे। घरेलू बाजार में अरहर की कीमतों में लगातार दूसरे दिन भी तेजी के साथ कारोबार रहा। व्यापारियों के अनुसार बर्मा में अरहर के दाम काफी तेज हुए, जिसके कारण आयात पड़ते महंगे हो चुके हैं। घरेलू मंडियों में देसी अरहर की आवक भी सीमित मात्रा में होती हुई नजर आई है। हालांकि अरहर दाल में ग्राहक की सामान्य की तुलना में काफी कमजोर है, जिसके कारण दाल मिलें जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही हैं। अगले महीने अफ्रीकी देशों से अरहर के आयात में बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कीमतों के बारे में अगर बात करी जाए तो 200 रुपये तक की बढ़त दर्ज करी गई। मुंबई में लेमन अरहर के दाम में 9,900 रुपये प्रति क्विंटल का दाम बाजार में यहाँ पर देखा गया, और इसके बाद रायपुर में बल्टी के दाम 200 रुपये तक तेज होकर 10,850 रुपये प्रति क्विंटल तक देखे गए। दिल्ली में लेमन अरहर के दाम 9,950 रुपये से लेकर 10,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बाजार में बने रहे। मार्केट में तेजी आने की उम्मीद तो नजर आ रही है। अरहर की कीमतों में हल्की तेजी और भी तो बन सकती है, लेकिन बड़ी तेजी बाजारों में आने का अनुमान फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।